तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ टर्टल यूट्यूबर और आज हम बात करने वाले पाकू फिश की कैर के बारे में। पाकू फिश भी पिराना जैसी दिखती है, लेकिन ये उनसे थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि पिराना तो मीट ईटर्स होती है, लेकिन ये वेजिटेबल्स पे फीड करती है ज़्यादा करके, और ये पीसफुल होती है ना कि पिरानास की तरह बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। लेकिन कुछ दुकान वाले इनको पिराना बोल के बेच देते जब ये छोटी होती है, लेकिन बड़े होने पर आप इनमें फ़र्क आराम से कर सकते हैं क्योंकि पिराना फिशेज से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। यानी ये मछलियाँ 3 फीट तक बड़ी हो सकती है, जबकि पिराना से इतनी बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए ये भी ध्यान रखिए कि आप पाको और पिराना में कंफ्यूज ना हो। और पाको फिश को हर कोई अपने टैंक में रख भी नहीं सकता क्योंकि इसका साइज़ बहुत मासिव हो जाता है, इसलिए इतना बड़ा टैंक लेना भी मुश्किल पड़ सकता है। तो ये कोई टैंक फिश नहीं, एक पॉन्ड फिश ज़्यादा बेटर रहेगी। इसको पॉन्ड फिश कहना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आप इसको पॉन्ड में आराम से रख सकते हैं, लेकिन टैंक में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है आगे चल के। पाको फिश वैसे तो ट्रॉपिकल फिश है, ये अमेजोन रिवर से बिलोंग करती है। पाको फिश वैसे तो एक ओमनिवरस फिश है, लेकिन इसके दांत डिज़ाइन होते हैं फलों को खाने के लिए, इसीलिए फ्रूट्स और वेजेस ज़्यादा प्रेफर करती है, लेकिन आप इसको पैलेट्स भी दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके टैंक सेटअप के बारे में। टैंक सेटअप के लिए तो आपको बहुत बड़ा टैंक चाहिए होगा, इसके लिए कम से कम 4 फीट से तो ज़्यादा ही बड़ा टैंक चाहिए होगा, या फिर आपको एक पॉन्ड चाहिए होगा जो भी आप रख सकते हैं। और ग्रेवल भी आप सैंडी ग्रेवल या रॉकी ग्रेवल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसके लिए आपको फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा चाहिए होगा क्योंकि पाको फिश वेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, इसलिए आपको फिल्ट्रेशन अच्छा लगाना पड़ेगा। टॉप फिल्टर या ये हैंग ऑन बैक फिल्टर आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको हीटर भी लगाना ही पड़ेगा टैंक में, क्योंकि एक ट्रॉपिकल फिश है और हीटर का टेम्परेचर आप 22 से 28 डिग्री सेल्सियस तक के बीच का रख सकते हैं। और अगर आप पीएच मेंटेन कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, और पीएच लेवल इसके लिए 6.0 से 8.0 के बीच का होता है, उतने में आप इसको रख सकते हैं अच्छे से। और टैंक मेट्स की बात की जाए तो आप इनके साथ कोई भी एवरेज साइज़ का फिश रख सकते हैं इनके साथ, जैसे टाइगर, ऑस्कर या फिर अलग अलग सिकलेट्स भी आप मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इनके लिए क्योंकि ये फिश पीसफुल होती है। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि वो फिश इसको परेशान ना करे, क्योंकि अगर परेशान करेगी तो ये मछली बहुत जल्दी स्ट्रेस में भी आ जाती है और मर भी सकती है बहुत जल्दी। इसलिए ज़रूरी कि आप टैंक में बहुत अच्छे से चूज़ करें। और अगर फीडिंग की बात की जाए तो आप पैलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वॉर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ कर सकें। लेकिन 80% अगर आप इनको पैलेट्स देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे ये फिश एक्टिव रहेगी। और 20% में आप फ्रूट्स और वेजीज दे सकते हैं इनको, और इसी के साथ साथ हफ्ते में आप ब्लड वॉर्म्स या मील वॉर्म्स इनको देते रहें, वो ज़रूरी होगा इनके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।